कुल्लू विकास खंड की लाडा प्रभावित पंचायतों को पिछले 5 सालों से लाडा की राशि जारी नहीं हुई है, जिससे पंचायतों के विकास कार्य भी अधूरे चल रहे हैं। जिला मुख्यालय ढालपुर से डीसी कार्यालय में कुल्लू विकास खंड प्रधान संघ के सदस्य इस मांग को लेकर डीसी कुल्लू से मिले। वहीं डीसी कुल्लू को भी एक ज्ञापन सौंपा गया तथा मांग रखी गई कि परियोजना प्रभावित पंचायतों को जल्द से जल्द लाडा की राशि जारी की जाए। कुल्लू विकास खंड प्रधान संघ के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने बताया कि करीब 40 करोड़ रुपए की लाडा की राशि प्रशासन के पास मौजूद है। आज प्रधान संघ हमारा कुल्लू ब्लॉक जो है वो एक कुछ समस्या को लेकर के जिलाधीश महोदय से मिलना चाहता है। समस्या ये थी कि 14-15 में जो हमारी 2014-2015 में जो हमारी लाडा में चिन्हित हुई थी लगभग 30 पंचायतें, और उनको हर साल लाडा का शेयर मिलना था लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड का। लेकिन खेद का विषय है कि 4-5-6 साल से लगभग वो किसी भी पंचायत को आवंटन नहीं हुआ है, और जो कि हमारा सभी पंचायतों का एक अधिकार भी है, क्योंकि हम सभी प्रोजेक्ट प्रभावित पंचायतें हैं, और वो ना नहीं मिला। इस करके हम आज जिलाधीश महोदय के से गुजारिश करने के लिए आए हैं कि हमें शीघ्र दिया जाए, ताकि आगामी आने वाला जो हमारा अप्रैल के जो ग्राम सभा का बड सेशन होता है उसमें हम ग्राम सभा में उसको शल्प तैयार करें और विकास के काम में एक नया अध्याय शुरू कर सकें। इसी बात को लेकर के जो आज जिलाधीश महोदय से मिलने के लिए सभी कुल्लू ब्लॉक के आदरणीय प्रधान साहिबान और मेरी अध्यक्षता में सभी लोग आए हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और डीसी महोदय से मुझे आशा और अपेक्षा भी है कि वो हमें इग्नोर ना करते हुए कम से कम हमें पहली किस्त में जो है 50% जो शेयर जो हमारा हर पंचायत का है वो हमें जो है सबकृति देंगे, यही मेरी आशा है।